गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जैसा कि आपका एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम चल रहा है उसी करीब में दोस्तों आज है आपका 4 अगस्त और 4 अगस्त को फर्स्ट शिफ्ट का एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम समाप्त हो गया है। तो आज के इस फर्स्ट में आपके जीके जीएस के पोर्शन से क्या क्या जीके जीएस के प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को देखेंगे विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आप अंग्रेजी लैंग्वेज में वीडियो को देख रहे हैं इस बात को भी आपको जानकारी होनी चाहिए। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग जाकर ज्वाइन हो जाइएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया कि व्हाट रॉन्ग द विथ रिलीजियस फ्रीडम। ठीक है, रिलीजियस फ्रीडम के बारे में आपका 4 स्टेटमेंट दिया गया था, उसमें से पूछा गया था इनमें से कौन सा आपका जो ये स्टेटमेंट है वो आपका गलत है। ठीक है, स्टेटमेंट मिल नहीं पाया है लेकिन सम प्रोविजन ऑफ रिलेटेड टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस को देखें तो फर्स्ट वन आपका आर्टिकल 25 है जो कहता है कि इट प्रमोट्स रिलीजियस फ्रीडम विच इंक्लूड्स द राइट टू फ्रीली प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट एनी रिलीजन। ठीक है, सेकेंड आपका कहता है आर्टिकल 26, वो कहता है आर्टिकल 26 जो कहता है वो कहता है कि इट गिव्स फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। ठीक है, नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 27 जो कहता है इट सेट फ्रीडम इन द फॉर्म ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्सेस फ्रॉम द फॉर द प्रमोशन ऑफ एनी पार्टिकुलर रिलीजन। आपका आर्टिकल 28 कहता है इट गिव्स फ्रीडम टू अटेन रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो ये 4 जो आर्टिकल है आपका रिलीजियस से संबंधित है, राइट टू फ्रीडम टू रिलीजियस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि वाई डिफीटिंग होम इंडिया रीच द फाइनल इन द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023। ठीक है, या 23 या 22 इस प्रकार का क्योंकि पूछा गया होगा तो उसका राइट आंसर आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ठीक है, द ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप इज लीग कॉम्पिटिशन फॉर द टेस्ट क्रिकेट रन बाय इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC वेन विच बिगेन 1 अगस्त 2019। ठीक है, और अगर विनर की बात करेगा तो विनर भी दोस्तों आपका ऑस्ट्रेलिया ही बना था। ठीक है, इस बात को भी याद रखिएगा, विनर भी आपका ऑस्ट्रेलिया ही बना था। भारत और आपका ऑस्ट्रेलिया के बीच आपका क्या हुआ था, फाइनल खेला गया था। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि विच गवर्नर ब्रॉट द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है आपका लॉर्ड लिट्टन। ठीक है, लॉर्ड लिट्टन आपका हो जाएगा। ये आपका 1878 में आपका वर्ना जो कुलर प्रेस एक्ट है वो आपका लाया था लेकिन इसको रद्द भी कर दिया गया था आपका 1882 AD में। किसके द्वारा रद्द किया गया था, तो रिपील्ड बाय लॉर्ड रिपन। ठीक है, तो लॉर्ड रिपन के द्वारा इसे रिपील्ड भी कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि विच डांस इज रिलेटेड टू हिंदुस्तानी संगीत। ठीक है, तो हिंदुस्तानी संगीत से कौन सा डांस आपका संबंधित है, तो कथक। ठीक है, कथक किसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन में दिया गया था। ये दोस्तों आपका उत्तर भारत यानी कि नॉर्थ इंडिया का दोस्तों आपका क्या है, तो शास्त्रीय नृत्य। ठीक है, किसका है, तो नॉर्थ इंडिया का है। ठीक है, इसके अलावा भारत में 2 प्रकार के आपके डांस होते हैं, फर्स्ट 2 प्रकार के म्यूजिक्स होते हैं, पहला आपका हिंदुस्तानी, दूसरा दोस्तों आपका कर्नाटक। ठीक है, हिंदुस्तानी जो संगीत है वो दोस्तों आपका कहाँ नॉर्थ इंडिया से संबंधित है, कर्नाटक जो संगीत है दोस्तों आपका ये कहाँ संबंधित है, तो ये दोस्तों आपका साउथ इंडिया से संबंधित है। ठीक है, कहाँ संबंधित है, तो ये दोस्तों आपका साउथ इंडिया से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि विच इंस्ट्रूमेंट डज हरिप्रसाद चौरसिया प्ले। ठीक है, तो फ्लट इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन 2000 पंडित हरिप्रसाद चौरसिया वाज अवॉर्डेड द पद्म विभूषण बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड अदर प्रोमिनेंट ऑफ फ्लूट प्लेयर्स आर एन नीला, पन्नालाल घोष, राजेंद्र प्रसाद, एन वी कुंजामणि। ठीक है, ये सभी भी आपके फ्लूट प्लेयर ही हैं। इसके अलावा सितार प्लेयर की बात करेंगे तो आपके कौन हो जाएंगे, पंडित रविशंकर आपके सितार प्लेयर हो जाएंगे। सहनाई प्लेयर की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका हुसैन अहमद खां आपके सहनाई प्लेयर हो जाएंगे। इसके अलावा बात करेंगे आपका सरोद प्लेयर का, तो सरोद प्लेयर में दोस्तों आपका अमजद अली खां आपके सरोद प्लेयर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया टूसू फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। ठीक है, तो टूसू जो फेस्टिवल है आपका झारखंड में मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका झारखंड हो जाएगा। टूसू इज ए हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड ऑन द लास्ट डे ऑफ मंथ ऑफ पौष ड्यूरिंग विंटर्स। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया वेयर द रिवोल्ट ऑफ 1857 स्टार्टेड। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो मेरठ इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेरठ जो कि आपका उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। ठीक है, इसके अलावा द रिवोल्ट ऑफ 1857 स्टार्टेड फ्रॉम मेरठ ऑन May 10, 1857 विच ग्रेजुअली स्प्रेड। ठीक है, टू प्लेस लाइक कानपुर, बरेली एंड आपका झांसी, दिल्ली एंड अवर ETC। ठीक है, तो इसके बारे में आपका 1857 से संबंधित आपका और भी प्रश्न बनता है, जैसे कि इन जगहों पर कोई विद्रोह किया होगा तो उस विद्रोह के नेता का नाम आपसे बार बार पूछा जाता है, तो उसको एक नज़र हम लोग देख लेते हैं। तो पहला देखते हैं दोस्तों आपका दिल्ली का। ठीक है, दिल्ली से जो जो आपके विद्रोह के नेता थे वो दोस्तों आपके बहादुर शाह जफर थे। ठीक है,
कौन था? तो बहादुर शाह जफर, जो कि आपका अंतिम मुगल एम्परर भी था। इसके अलावा कानपुर से देखें तो कानपुर से दोस्तों आपका कौन किया था? तो नाना साहेब। ठीक है, कानपुर से दोस्तों आपका विद्रोह के नेता थे नाना साहेब, इस बात को आप लोग याद होगा। इसके अलावा बात करें लखनऊ से, ठीक है, तो लखनऊ से किसने किया था? तो बेगम हजरत महल। ठीक है, बेगम हजरत महल के विषय में आप लोगों को मालूम होगा, जिन्होंने लखनऊ से आपका 1857 का नेतृत्व यानी कि विद्रोह की नेता बनी थी। इसके अलावा बिहार से बात करेंगे तो बिहार से दोस्तों आपका ये तो बहुत ही फेमस है कुंवर सिंह। ठीक है, कुंवर सिंह दोस्तों आपका बिहार से बने थे। इसके अलावा बरेली, ठीक है, बरेली की बात करेंगे तो बरेली से दोस्तों आपका खान बहादुर खान। ठीक है, खान बहादुर खान दोस्तों आपके कहाँ से बने थे? तो बरेली से बने थे। ठीक है, इसके अलावा बात करेंगे फैजाबाद से। ठीक है, तो फैजाबाद से कौन बना था? तो आपके मौलवी, ठीक है, मौलवी अहमदुल्ला, मौलवी अहमदुल्ला आपके फैजाबाद से बने थे। एक आपका अंतिम बच गया झांसी। ठीक है, तो झांसी से कौन बना था? तो रानी लक्ष्मीबाई के विषय में तो आप लोग को मालूम होगा, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, तो रानी लक्ष्मीबाई आपकी झांसी से लड़ी थी, विद्रोह के नेता थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया हुज कंपोजिशन इज उत्तरमाचरित्र। ठीक है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा भवभूति। ठीक है, भवभूति दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तरमाचरित्र के जो लेखक हैं आपकी भवमिति हैं। इसके अलावा भवभूति का अदर कंपोजिशन कौन कौन सा है? तो महावीर चरित्रम है, मालती माधवन है, एक उत्तरमाच चरित्रम है, ये तीनों आपके भवभूति के द्वारा ही लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट इज द विथ ऑफ द रिंग इन स्विमिंग। ठीक है, तो विथ पूछा गया होगा तो मिनिमम विथ दोस्तों आपका 21 मीटर होता है, तो राइट आंसर 21 हो जाएगा। इसके अलावा द लेंथ ऑफ स्विमिंग पूल बात अगर पूछ दिया जाए तो 50 मीटर आपका लेंथ होता है। एंड डेप्थ ऑफ वाटर की बात करें तो इन इट इज मोर देन 1.8 मीटर्स। एंड स्विमिंग रिलेटेड टर्म्स की बात करेंगे तो बटरफ्लाई स्ट्रोक, फ्री स्टाइल, बैक स्ट्रोक, ब्रेस्ट स्ट्रोक, ठीक है, ये सभी आपके स्विमिंग से ही संबंधित क्या है? तो आपके वर्ड है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया बिकम द फर्स्ट कार्बन फ्री स्टेट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश विच इज द मैंडेटेड ऑल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट टू इंट्रोड्यूस एनवायरमेंट ऑडिट इज ऑन इट्स वे टू बिकमिंग द फर्स्ट कार्बन फ्री स्टेट इन द कंट्री एंड द साउंड इन द वर्ल्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपका, इसके पहले आपको बता दें कि अगर आपसे पूछ दिया जाए कि उत्तर प्रदेश फर्स्ट कार्बन फ्री जोन कौन सा है, तो दोस्तों आपका काशी विश्वनाथ धाम हो जाएगा। और आपसे पूछ दिया जाए कि विच ऑफ द फ्लोइंग बिकम द फर्स्ट स्टेट और यूनियन टेरेटरी टू द लॉन्च कार्बन वॉच इन इंडिया, तो आपका ये चंडीगढ़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि विच इज द फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च द सेमी कंडक्टर पॉलिसी, तो आपका गुजरात हो जाएगा। गुजरात हैज अचीव ए पॉइनेंट माइलस्टोन बाय बिकमिंग द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया लॉन्च ए डेडिकेटेड सेमीकंडक्टर पॉलिसी विच कम्प्लीमेंट्स द सेंट्रल गवर्नमेंट्स विजन टू आत्मनिर्भर भारत इन द सेमीकंडक्टर सेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया व्हाट डज द इडियम बाइट द बुलेट मीन। ठीक है, टू फोर्स योरसेल्फ टू डू समथिंग अनप्लीजेंट और डिफिकल्ट और टू बी ब्रेव इन द डिफिकल्ट सिचुएशंस। ठीक है, ये आपका बाइट द बुलेट का मीडियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि नेशनल वुमेन चेस चैंपियनशिप 2022 का विनर कौन है, तो दिव्या देशमुख, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन आपके आज के फर्स्ट सेट में पूछे गए थे जो कि आपके 100% रियल हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को आपको लाइक करना है, चैनल पर अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आप सब्सक्राइब कर लिए हैं तो एक बार चेक कर लीजिए कि ऑल का बटन पर नोटिफिकेशन ऑन किए हैं कि नहीं किए हैं, नहीं किए हैं तो कर लीजिए। PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर ज्वाइन हो जाइएगा। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।